नमस्कार छात्रों, मैं गौतम भाई अहिरे, सुमन हाई स्कूल नंबर 11 हिंदी विषय अध्यापक। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ क्रमांक 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री मोहन राकेश जी। वे हिंदी के प्रसिद्ध और सफल कहानीकार तथा नाटककार रहे हैं। उनका परिचय आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। प्रस्तुत लेख में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की प्राकृतिक शोभा और वहाँ की सुंदरता का तथा अपने अनुभवों के बारे में इस पाठ में बताया है। तो चलो छात्र, आज हम गुलमर्ग की खिड़की से एक रात इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ साहित्य का यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में मोहन राकेश जी ने गुलमर्ग की शोभा और वहाँ की सुंदरता और अपने अनुभवों को व्यक्त किया है। गुलमर्ग यानी कश्मीर धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया है उसका अध्ययन करेंगे। पाठ की पंक्तियाँ, कुछ जगह होते हैं जिन्हें आँख एक बार देखते हैं तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाते हैं। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। लेखक कहते हैं कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं फिर मन भर जाता है, लेकिन उसके बाद हम उस स्थान से स्थल से दुखी हो जाते हैं। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है, वहाँ कितने भी दिन रहने पर भी हमारा मन नहीं भरता, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक अपने अनुभव को आगे कहते हैं गुलमर्ग के बारे में। जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं एक घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। झुरमुट यानी पेड़ों पौधों का समूह। लेखक कहते हैं पहली मुलाकात में पहली बार गुलमर्ग जाने पर लेखक को वहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं लगा था, बस वहाँ था एक खुला सपाट मैदान और देवदार के घने झुरमुट। लेखक गुलमर्ग का दूसरा अनुभव बताते हैं, मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी नहीं देखा जा सकता। लेखक कहते हैं कि कुछ महीनों के बाद वहाँ रहने के बाद गुलमर्ग से लेखक की आत्मीयता यानी अपनापन बढ़ गया। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में देखने लगता है। कभी अपने अनुभव में कहते हैं कि कुछ महीने वहाँ रहने के बाद गुलमर्ग से उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है, अपनापन बढ़ जाता है और वह गुलमर्ग का ही एक हिस्सा अपने को मानने लगता है। लेखक गुलमर्ग के सुंदरता का वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं कि कांपती तितलियों, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकते पहाड़ियों की तरह वहाँ की सुंदरता अद्भुत दिखाई देती है। लेखक आगे कहते हैं कि दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है उसे अपने में समाया सा लगता है। एक ओर प्रकृति की सुंदरता तो दूसरी ओर रहने का स्थल, दोनों अपने आप में समाये से लगते हैं। इतना मनमोहक अद्भुत निसर्ग का सौंदर्य गुलमर्ग में है। लेखक आगे कहते हैं गुलमर्ग का सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में। दोनों संध्याएं घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है यानी विदा होता है, दूर जाता है, तो एहसास होता है कि अपने से ही वह बिछुड़ने का, अपने उस रूप को जो इतना परिचित होते हुए भी उसे सदा अपरिचित सा लगता रहा। यानी गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से दूर जाता है, विदा होता है, तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। अगले परिच्छेद में लेखक गुलमर्ग की सुंदरता के बारे में कहते हैं कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आँखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। मुग्ध होकर देखना यानी मोहित होकर देखना। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है। नीचे हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा भरा सा लगता है। इतनी सुंदरता गुलमर्ग में है। वातावरण में नई नई कोंपलें फुट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है।
कोंपले, इस कठिन शब्द का अर्थ नए पत्ते। नए पत्ते आने के कारण वातावरण और भी हरा भरा हो जाता है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आते हैं। रोमांच की नई सृष्टि का अनुभव होता है। लोग हरी हरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं और सैलानी घुड़सवारी का मजा लेते हैं। गुलमर्ग में सहसा प्रकाश से नन्नी नन्नी बूंदे पड़ने लगते हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। सहसा यानी अचानक प्रकाश के नन्नी नन्नी पारदर्शक बूंदे गिरने लगते हैं, जिससे सारा वातावरण बदल जाता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमय आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी। ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल इस परिच्छेद के कठिन शब्दों का अर्थ, कुहासा का अर्थ होता है कोहरा, धुंध का अर्थ होता है हवा में उड़ती हुई धूल या अंधेरा, बेबस का अर्थ होता है असहाय, पगडंडी का अर्थ होता है लोगों के लगातार चलने से अपने आप बना हुआ रास्ता। इस परिच्छेद में लेखक कहते हैं, गुलमर्ग की श्याम का वर्णन किया है। श्याम होते होते गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने हुए लोग उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढकने लगती है। मैदान पर अंधेरा छा जाता है। धुंध में पगडंडियों पर पतली पतली बाहों जैसी दिखाई देती है। अगले परिषद में लेखक ने दिन में सूर्योदय होने पर गुलमर्ग की सुंदरता का वर्णन किया है। सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। दिन में सूर्योदय होने पर गुलमर्ग की सुंदरता का वर्णन करते हुए लेखक आगे कहते हैं, भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। लेखक आगे कहते हैं कि रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाते हैं। इस परिच्छेद के कठिन शब्दों का अर्थ, द्वीप का अर्थ होता है टापू, रेवड़ का अर्थ होता है समूह, वाचाल का अर्थ होता है बातुनी। तो इस परिच्छेद के द्वारा लेखक ने दिन में सूर्योदय होने के कारण गुलमर्ग की सुंदरता का वर्णन किया है। सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है। आकाश में बादल सैर करने लगते हैं। भेड़ और बकरियों के रेवड़ झुंड पगडंडियों पर भर जाते हैं। रात की खामोशी की चहल पहल में बदल जाती है। लेखक ने एक रात का अविस्मरणीय अनुभव गुलमर्ग का यहाँ पर बताया है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। लेखक आगे कहते हैं कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। लेखक उस घटा का इंतजार कर रहे थे, वह घटा लेखक को लपेट ले, और घटा के लपेटने से जो आनंद मिलता है वह बहुत कम बार लेखक ने अनुभव किया है, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक गुलमर्ग की उस रात का अनुभव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत यानी इशारा मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ, मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ, ऐसा मैं कह रहा था। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कोनती थी यानी चमकती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था यानी हर चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। लेखक आगे अपने अनुभव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं खुश था कि
थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा, मैं बाहें फैलाकर सामने से ऊपर अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हवा तूफान थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। लेखक अगले परिच्छेद में कहते हैं, मगर अचानक हवा रुक गई, बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिटक गया, ठिटक जाना यानी रुक जाना, और दूर ही पर कटे यानी पंख कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। दम तोड़ना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है मर जाना। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी, मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। लेखक इस पाठ के अंतिम परिच्छेद में कहते हैं कि वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक दो बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे, तभी तो मुद्दत यानी काफ़ी समय तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींच कर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है, व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? इस परिच्छेद के द्वारा लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का कोई न कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है, लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही नहीं यहाँ आते हैं, अपनी अपनी आकर्षण इन्हें यहाँ खींच लाते हैं। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बड़ी आत्मीयता से वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और अपने अनुभवों के बारे में बताया है। इस तरह यह साहित्य का यात्रा वृत्तांत अर्थात यात्रा वर्णन यह पाठ समाप्त होता है। शुक्रिया, आभार। इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय आपको करना है। जय भारत।